या चलो ऐसे करते हैं, एक वायर है जिसका एरिया चेंज हो रहा है, मान लो रेडियस आर वन है और मान लो रेडियस आर टू हो गया, ठीक, चेंज हो रहा है, और लेंथ ऑफ द वायर कितना है, एल है। और क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि आप क्या लगा रहे हैं, इस तरफ एफ फोर्स की वैल्यू को अप्लाई कर रहे हैं जिससे लंबा हो रहा है, ये वायर लंबी हो रही है, और यंग्स मॉडुलस इसका कितना है, वाई। प्रॉब्लम ये है कि आपको इस क्वेश्चन में निकालना है कि टोटल चेंज की वैल्यू कितनी होगी जब आप इसे खींचेंगे। तो फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ गई, फोर्स एल एरिया वाई। तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में फोर्स पता है, लेंथ पता है, वाई पता है, अब प्रॉब्लम क्या आएगी एरिया की। या तो मैं पुट करूं पाई आर वन स्क्वायर या मैं पुट करूं पाई आर टू स्क्वायर, अगर एरिया दोनों तरफ सेम होता जैसे हर प्रॉब्लम में होता है तो एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाता। अब प्रॉब्लम में फंस गया, ना आगे का एरिया ना पीछे का एरिया, और एरिया हर इंस्टेंट पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो इंटीग्रेशन एक तरीका है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका इंटीग्रेशन ही रहेगा, बिकॉज इसमें चीजें चेंज हो रही हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, हम इस वायर का एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर लेंगे। तरीका बताता हूं लेकिन शॉर्टकट बताऊंगा एंड में। ये मैंने एक पोर्शन कंसिडर किया सच दैट इसकी जो लेंथ है वो मान लो dx है। मैंने जो एलिमेंट लिया वो कितनी लेंथ का लिया, वो dx लेंथ का एलिमेंट ले लिया, ठीक। और जब मैं से ये वायर को खींच रहा हूं तो ये एलिमेंट भी खींचेगा। तो मान लो आपने एक स्मॉल लेंथ कंसिडर की, और स्मॉल लेंथ कितनी कंसिडर की, डीएक्स, और लेट अस सपोज इंक्रीज इन लेंथ, इस लेंथ को खींचने से इंक्रीज कितना होता है, डीवाई। तो लेंथ थी कितनी, डीएक्स, और कितनी हो गई, डीवाई, डीवाई इसका इंक्रीज है। तो इतने पोर्शन का जो रेडियस है, ना वो आर वन होगा ना वो आर टू होगा, वो कितना होगा, वो आर होगा, ठीक। इतने पोर्शन का रेडियस अगर आर होगा किसी भी इंस्टेंट पर, और हर एलिमेंट का आर चेंज हो रहा है, तो आर निकाल लें। आर निकालने का तरीका देखो, आर की वैल्यू आर वन से तो बड़ी होगी, आर वन से तो बड़ी होगी। अब जैसे एक बात बताओ, आर टू की वैल्यू आर वन से बड़ी है ना। अच्छा, जब लेंथ एल है तो इंक्रीज यहां से लेके यहां तक रेडियस में इंक्रीज कितना आ जाता है, इतना इंक्रीज आ जाता है, इंक्रीज पूछ रहा हूं। तो वन के लिए कितना इंक्रीज आता है, आर टू माइनस आर वन बाय एल आ जाता है। और मान लो ये एलिमेंट आपने यहां से एक्स डिस्टेंस पे लिया, तो एक्स डिस्टेंस के हिसाब से इंक्रीज कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। मतलब आर की जो वैल्यू होगी वो आर वन तो होगी होगी, आर वन तो होगी होगी, साथ में इंक्रीज इन रेडियस हो जाएगी। कितना रेडियस इसमें इंक्रीज हो रहा है, जैसे आर वन तो होगी होगी, यहां से यहां आने में ये रेडियस इससे कितना बड़ा हो जाता है, आर टू माइनस आर वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एल, इतना बड़ा हो जाता है, ठीक। ये एक्स्ट्रा रेडियस है ना जो बढ़ता जा रहा है, आर वन तो कम से कम है ही है, आर वन से एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया, इतना आर आ गया। तो इतने पोर्शन का, रेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर। इस आर को उठा के यहां पुट कर दें, पाई आर स्क्वायर, जो कि सॉल्व करके आएगा पाई इंटू आर वन प्लस आर आर वन इंटू एक्स बाय एल का होल स्क्वायर, एरिया आ गया। इस स्मॉल पोर्शन के लिए, इस स्मॉल स्मॉल एलिमेंट के लिए आप इसमें फॉर्मूला लगाएं डेल्टा एल, यंग मॉडुलस का। यंग मॉडुलस क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, यानी कि मैं अपने क्वेश्चन में लगाऊंगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया की जगह क्या पुट करूंगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया की जगह ये पूरे का पूरा पुट करूंगा, कितना बाद में पुट कर लूंगा, पाई आर स्क्वायर। लेंथ की जगह क्या पुट करूंगा, डीएक्स, और इंक्रीज इन लेंथ की जगह डीवाई, क्योंकि जो मैंने एलिमेंट लिया उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, डीएक्स, और उसमें डेल्टा एल कितना है, डीवाई। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डीवाई की वैल्यू मेरे पास जो आएगी वो आएगी डीवाई इज इक्वल टू फोर्स एरिया वाई इंटू डीएक्स। तो डीवाई इज इक्वल टू फोर्स एरिया की जगह पाए आर वन प्लस आर टू माइनस आर वन इंटू एक्स बाय एल का होल स्क्वायर इंटू वाई इंटू कितना, डीएक्स। ये स्मॉल लेंथ डीएक्स में स्मॉल इंक्रीज इन लेंथ डीवाई आया है। और अगर मुझे टोटल निकालना है
टोटल इंक्रीज कितने लेंथ में, डेल्टा एल पूरी वायर का, और टोटल लेंथ ऑफ द वायर डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो से लेके एल तक, तो यहां से आपके पास टोटल डेल्टा एल आएगा जो भी आएगा। ये एक्चुअल मेथड है, ठीक, ये एक्चुअल मेथड है कि एक्चुअल मेथड से ऐसे निकलेगा, पर इतने लंबे मेथड को हम नहीं यूज कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूं, उससे करोगे और इससे करोगे एक ही आंसर आएगा, ठीक। लेकिन मैं एक्चुअल मेथड बताना बनता है कि कैसे, अगर आप कोई एडवांस लेवल प्रॉब्लम करते हैं तो उसमें वो डेंसिटी भी चेंज कर देगा वायर की, जिस वजह से आपको थोड़ा सा ये मेथड आना चाहिए सारा मेथड। इसमें क्या करना है, आपने टोटल चेंज तो आप सीधा निकाल नहीं सकते, पहले आपने स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट को एक्स डिस्टेंस पे लिया, स्मॉल लेंथ डी एक्स ली, खींचा इंक्रीज इन लेंथ डी वाई आ गई। अब इसका रेडियस निकालने के लिए यहां और यहां के बीच में अगर एल लेंथ है तो इंक्रीज इतने, वन के लिए इतने, इनमें डिस्टेंस एक्स है तो इतना इंक्रीज है, तो इसका रेडियस इससे बड़ा होगा आर वन से, कितना, जितना इंक्रीज आया वहां से इसका एरिया आ गया, क्रॉस सेक्शन का एरिया आ गया। इतने पोर्शन के लिए आपने यंग मॉडुलस लगा लिया, आपने लेंथ कितनी ली डी एक्स, उसमें इंक्रीज कितना आया डी वाई, स्मॉल पोर्शन का इंक्रीज आ गया जब लेंथ डी एक्स है, लेकिन हमारी लेंथ कितनी है एल, तो चेंज इन लेंथ कितनी है डेल्टा एल, तो यहां से सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा मेथड हम कर नहीं पाएंगे, बहुत लंबा मेथड है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपको डेल्टा एल निकालना है पूरी वायर का, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर ही है सबको, डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ एरिया इनटू वाई, एफ क्वेश्चन में सेम है, एल सेम है, वाई सेम है, क्या पुट करना है एरिया, तो जब एरिया चेंज हो रहा होगा क्रॉस सेक्शन का तो आपको ना ज्योमेट्रिक मीन लेना होता है ए वन और ए टू का, तो जब ना इधर का एरिया ना इधर का एरिया, दोनों के एरिया का मल्टीप्लाई और अंडर रूट, तो जब आप ऐसा करते हैं एफ एल वाई जैसे पाई इंटू आर वन का स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर टू का स्क्वायर, तो आंसर आएगा फाइनल पाई इंटू आर वन इंटू आर टू, इससे कर लो या यहां से इंटीग्रेट कर लेना, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक शॉर्टकट बन जाएगा, जब एरिया चेंज हो रहा होगा ना ए वन ए टू, तो हम क्रॉस सेक्शनल एरियाज ले लेंगे ए वन ए टू और उसका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लगा लेंगे, तो आंसर आएगा, ठीक, काम चलाऊ शॉर्टकट है।